तो आज दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई थी, उसको मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है मैंने क्वेरी की, तो वो आज आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ये थोड़ा सा मैंने अभी किया है, तो इसकी आप स्क्रिप्ट देख सकते हो एक बार। स्टार्टिंग में ऑन शो के टाइम पे मैंने तीनों वेरिएबल्स को 0 पे रखा है, और वाइल शोइंग में तीनों वेरिएबल्स को 0 to 100 तक इंक्रीज किया है। आफ्टर 100 पर ये स्टॉप हो जाएगा इंक्रीज होना। एवरी 100 मिलीसेकंड के लिए या आप देख सकते हैं कि ये पहले हॉरिजॉन्टली मूव हुआ, फिर वर्टिकली मूव हुआ, और अब वर्टिकली मूव होने के बाद ये वापस से लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली। ये अपने वापस 20 पोजीशन में, अब 20 पोजीशन से हम इसे वापस मेन पोजीशन पे और बिगर साइज में कैसे पहुंचाते हैं वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम इस पे विजिबिलिटी लगा देते हैं। जब आई 100 इक्वल हो जाएगा तब ये शो होगा, एंड जब क्यू 100 हो जाएगा क्यू लेस देन 100 रहेगा तब तक ये शो होगा। जैसे कि अभी ये इससे क्या डिफरेंस आया है मैं वो आपको शो कर देता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से ये वाला जो है, जब ये वाला रेक्टेंगल है, जब ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए मैं इसमें आपको हाइट और विड्थ को इंक्रीज करते हुए दिखा देता हूँ। ये हम इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज कर रहे हैं। सॉरी,
रन टाइम में भी आपको शो हो जाएगा कि क्या डिफरेंस आया है। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वो भी चेक कर लेता हूँ। विद क्यू की वजह से क्यू क्यू वेरिएबल पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए वो मिनिमम पे नहीं थी। यहाँ पे हम डब्ल्यू कर देते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल में। हमने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी लगाई है और हाइट विड्थ की ऑब्जेक्ट साइज प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद विजिबिलिटी लगाई है। विजिबिलिटी लगाने के बाद हमने वर्टिकल प्रॉपर्टी लगाई है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे नेक्स्ट न्यू वेरिएबल के साथ। और अभी वापस से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। ये अपनी साइज इंक्रीज करते हुए इस तरफ आ गया। अब यहाँ से हम जब ऊपर लेके जाएंगे इसको तो इसकी साइज वापस से इंक्रीज होगी। वो वाला मैं आपको खुद शो करके दिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इजीली कॉपी हो जाता है। ये कॉपी बटन पे क्लिक किया कॉपी, और जहाँ हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसे पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा हम उसके पैरेलल में ले जाते हैं। अब हम इसको प्रॉपर्टीज लगाएंगे। एनिमेशन लिंक्स पे प्रॉपर्टीज लगाते हैं हम। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे विड्थ की, जो कि हमें मिनिमम वैल्यू 0 पे चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 100 पे चाहिए, और सेंटर से ही ये इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। और हम नया एक्सप्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे हम न्यू एक्सप्रेशन ले लेते हैं। हमने एक क्यू वेरिएबल, डब्ल्यू वेरिएबल और आई वेरिएबल ले रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे पी वेरिएबल ले रहा हूँ। ये पी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, ये पहले से डिफाइन नहीं है, तो अब हम इसे डिफाइन कर देंगे एज ए डिटेल्स। रियल इसकी टाइप रखेंगे रियल मेमोरी, और सेव क्लोज कर देंगे, सेव क्लोज ओके। और इसको हम हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल पे लेके जाएंगे, 0 to 200 अप जाएगा ये, और डाउन साइड में हम इसे 0 लेके जाएंगे। और ये पी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। इसकी हाइट और विड्थ भी पी वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। विड्थ को हमने चेंज कर ही दिया था पी वेरिएबल ओके। अब हम स्क्रिप्ट में जाके पी वेरिएबल को 0 के इक्वल डिफाइन कर देंगे एवरी टाइम फॉर श्योर ऑन शो। और अब वाइल शोइंग के टाइम पे हम सबसे पहले हमने ये आई के लिए लिया था। आई के लिए हमने आई को इंक्रीज करने के लिए
जब तक इंक्रीज हो जब तक आई लेस देन 100 हो, और इसी तरीके से क्यू जब तक इंक्रीज हो जब आई इक्वल टू 100 हो और क्यू लेस देन 100 हो, तब तक क्यू इंक्रीज होना चाहिए, मतलब वो 100 तक इंक्रीज होगा इस स्क्रिप्ट का अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्ट। इफ क्यू इक्वल टू 100 एंड डब्ल्यू इज लेस देन 100, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1। सिमिलरली वी यूज स्क्रिप्ट फॉर पी वेरिएबल। वी सेलेक्ट इफ इफ डब्ल्यू इक्वल इक्वल 100 एंड p less than 100 then p equals to p plus 1 एंड हम इसे वैलिडेट करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी स्क्रिप्ट में अकॉर्डिंग टू माय क्वेरी। ओके, अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम जो आई है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आई है। ये विजिबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आई है, हमने इस पे विजिबिलिटी चेक नहीं की थी। विजिबिलिटी पे ये होना चाहिए क्यू इक्वल टू और W इक्वल टू 100 पे ये विजिबल होना चाहिए। एंड ये P लेस देन 100 तक विजिबल रहना चाहिए। तो ये 100 या 100 से कम तक विजिबल रहे। अब रन टाइम ये वर्टिकली पी पे वैल्यू पे करता है। हंड्रेड पे टॉप पे जाना चाहिए और बॉटम पे 0 पे रहना चाहिए। ये अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये अब हमारे को पता चल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इस पे अब ये वर्टिकली जा रहा है, और इस पे हाइट और विड्थ की ऑब्जेक्ट साइज की प्रॉपर्टी लगी हुई है, और विजिबिलिटी भी हमने इसमें यूज की है, और अब ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि हमने उसकी सेटिंग्स इस तरीके से की थी। वो सेटिंग्स मैं आपको अभी दिखा दूंगा। वो हमने थर्ड वाले पे जो विजिबिलिटी नहीं लगाई थी इसलिए वो इस साइज का दिख रहा है।
मिनिमम वैल्यू हमें 0 पे चाहिए, मैक्सिमम हाइट हमें 100 पे चाहिए। विजिबिलिटी हमने सेट कर ही दी है। तो हमने कुल मिला के ऑब्जेक्ट साइज और मिसलिनियस की विजिबिलिटी और लोकेशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइट विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज और विजिबिलिटी कुल ये चार प्रॉपर्टी यूज किए, और हमने ये सब स्क्रिप्ट के थ्रू यूज किया है। इस पे भी हम एक बार विजिबिलिटी सही कर देते हैं, फिर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये क्यू इक्वल टू 100 पे विजिबल होना चाहिए, और एंड पी लेस देन 100 तक विजिबल रहना चाहिए। ओके, एक बार हम फाइनल टाइम देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए। विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये विजिबिलिटी में पी की जगह पे डब्ल्यू करना। और मैं अब इसकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वाइल्ड चोइंग में जाके ये हम 10 मिलीसेकंड कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइम रख सकते हैं। और ये जो है ये स्क्रिप्ट है, ये क्वेरी मेरे पास आई थी उसके लिए। मैं आप लोगों के साथ क्वेरी भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से टाइम सेट नहीं हुआ, टाइम सेट और कम करके देखते हैं 1 सेकंड।
ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।